नमस्कार दोस्तों, ओम गुप्ता के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। जैसा कि अभी ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ये जो फ्रॉड्स होते हैं वो लोग नए नए तरीके निकालते हैं लोगों को फ्रॉड करने के लिए, चीट करने के लिए, आपका जो हार्ड एंड मनी है उसे आपके पैकेट से निकालने के लिए। तो उसके कुछ मैं आपको यहाँ पे लाइव टिप्स देने वाला हूँ कि आपको आपके पैसे से किस तरह से आपको बचा के रखना है। सबसे पहले बात, ये कॉलर्स आपको कभी भी जब भी कॉल करेंगे तो आपको किसी न किसी चीज की लालच देंगे। ये किसी ऐसे संस्थान का नाम लेंगे कि जिससे आपको उसका विश्वास हो जाए, और अभी जैसे कि इनको पता हो गया है कि कोई भी ओटीपी देने के लिए तैयार नहीं होता, तो ये दूसरे तरीके अपना रहे। जैसे ये आपको पहले से एक पेमेंट लिंक भेजेंगे, और उस पेमेंट लिंक में जैसे आप क्लिक करोगे आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। इसके अलावा एक नया तरीका इन्होंने अभी इजाद किया हुआ है। बताऊं, आपका पैसा गलती से मेरे अकाउंट में आ गया है तो मैं आपको रिफंड करना चाहता हूं। आपका अकाउंट नंबर दीजिए, फिर कुछ पैसा होगा वो आपको ट्रांसफर करेंगे, थोड़ा सा अमाउंट टेस्टिंग के लिए। पहले आपको कहेंगे कि टेस्टिंग के लिए मैं डाल रहा हूँ आपके अकाउंट में, अगर आ जाता है ओके कीजिए तो मैं पूरा डालता हूँ। फिर दोबारा जब आपको पेमेंट लिंक ट्रांसफर की जगह वो रिटर्न लेने का पेमेंट लिंक भेजेंगे, जैसे आप उसको एक्सेप्ट करोगे ओके करोगे आपके अकाउंट से पैसा कट के उनके पैसे अकाउंट में चला जाएगा। तो ये नया तरीका लोगों को उल्लू बनाने का इन्होंने निकाला है। इसके अलावा वेबसाइट्स और गूगल के थ्रू भी ये लोग अभी फ्रॉड कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के डुप्लीकेट वेबसाइट्स बनाते हैं और उस वेबसाइट पे इंक्वायरी जनरेट करते हैं। जैसे कि आप गूगल पे का, आपको कोई प्रॉब्लम तो गूगल पे का कस्टमर केयर का वेबसाइट बनाया इन्होंने, फोन पे का कस्टमर केयर साइट बनाएंगे ये लोग, और गूगल पे की जैसे भी गूगल एड्स के थ्रू या फिर गूगल में रैंक लाके वहां से ये लोग आपको इंक्वायरी उनकी जनरेट करके अपने पास लाते हैं और उनको फिर आपको सहायता देने के लालच में आपसे फ्रॉड करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो मोडस ऑपरेंडी इन लोगों का चल रहा है उसके अंदर ये लोग आपको एक ऐप डाउनलोड करवाते हैं। यानी अभी इस तरह की ऐप आती है जिसको अगर आप ऑथोराइज कर देते हो तो सामने वाला बंदा आपकी मोबाइल ऐप को पूरा पूरा अपने वहां पे चला सकता है। जैसे कि एनी डेस्क करके आता है, क्विक हेल्प करके एक ऐप आती है, तो इन एप्स के जरिए वो आपके पूरे मोबाइल को अपने मोबाइल में देख सकते हैं और वहां पर वो तुरंत का तुरंत आपके मैसेज पे आए हुए ओटीपी को देख सकते हैं, आपके पेटीएम अकाउंट को चला सकते हैं और सारा का सारा एक्सेस वो खुद वहां पर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, कभी भी इस तरह की कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड मत कीजिए। इस तरह का स्क्रीन शेयर हो सके ऐसा कोई भी आप मत दीजिए। और आपके मोबाइल में भी काफी सारी एप्स होते हैं, वहां पर स्क्रीन शॉट है, मैसेज कॉन्टेक्ट की परमिशन सारी एप्स को देने की जरूरत नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्स है उसी को ये परमिशन आपको देने चाहिए, सब सारी एप्स को इस को देने की जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको आपके मोबाइल में नहीं फाता है तो मैं अलग से इसके अंदर एक सेटिंग बता दूंगा। आप ऐप में जाके परमिशन में जाइए, परमिशन में देखिए कौन कौन सी ऐप को आपने क्या क्या परमिशन दी है। जो परमिशन आपको जरूरी नहीं लगती है उस परमिशन को आपको ऑफ कर देना चाहिए आपके मोबाइल सेटिंग में जाके, तो इससे वो ऐप आपके मोबाइल में सारा चीज नहीं निकाल पाएगी। तो इन चीजों का आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना चाहिए जिससे कि आपके मोबाइल से कोई फ्रॉड ना कर सके। दूसरी चीजें हैं कि आपके नॉर्मली मोबाइल्स के अंदर हमेशा पासवर्ड रखिए, आप ड्यूअल पासवर्ड रखिए, ड्यूअल लॉक रखिए, ऐप के अंदर अलग लॉक रखिए, फोन ओपन करने का लॉक अलग रखिए। तो कभी हैक हो जाता है तो सामने वाला बंदा बिना पासवर्ड के आपके मोबाइल को एक्सेस ना कर सके, तो वो चीज आपको खास ध्यान रखना चाहिए। आगे जो भी अलग अलग अपडेट्स आ रहे हैं फ्रॉड्स के, इसके अंदर डायरेक्ट कॉल्स के, लालच के, ये सब हुए थे। अभी ई सिम करके एक नया फ्रॉड का सिस्टम इन लोगों ने निकाला है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को हैक करके या कहीं से भी प्राप्त करके आपके नाम पर ये लोग ई सिम जनरेट करते हैं और बैंक में आपका मोबाइल नंबर या किसी भी तरह से अपडेट करवा के उस पर ओटीपी लेके और उससे ये डायरेक्ट आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। इसलिए अभी और भी ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। और जैसे मैंने मेरे लास्ट पार्ट वन वीडियो में बताया था आपको कि इन सबसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपना जो मेन अकाउंट आप रखते हैं उसके अंदर का मोबाइल ओटीपी पासवर्ड आप अलग रखिए, मोबाइल ही अलग रखिए। हो सकता है, मैं तो बोल रहा हूँ कि डिजिटल ना होके आप फिजिकली उसके अंदर रहिए, एक रनिंग अकाउंट रखिए जिसके अंदर आप वॉलेट की तरह बैलेंस ले सकते हैं। तो अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक आप सेफ रह पाएंगे। इसलिए अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर इस फ्रॉड से रिलेटेड मैं आपको हेल्प कर सका तो जरूर मैं इसके अंदर आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।
धन्यवाद।